Hi guys, it's me Lakshita Munia and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आर्ट सप्लाइज दिखाऊंगी जो बिगिनर्स के पास भी होने चाहिए. फिर उसके बाद मैं आपको ऐसे आर्ट सप्लाइज दिखाऊंगी जो तो मेरे जैसे लोगों के पास होने चाहिए, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बिगिनर में काउंट होती हूँ ना ज़्यादा मैं ड्राइंग में एक्सपर्ट हूँ. मतलब जिनको 2-3 साल हो गए ड्राइंग करते करते और थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी आ गई है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, अगर आप बिगिनर हो ड्राइंग में तो आपको ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना चाहिए. वैसे तो मेरे पास भी ज़्यादा कुछ नहीं था और मैं ड्राइंग आई थिंक जब मैं 3rd या फिर 4th क्लास में थी मैं तब से ड्राइंग करते आ रही हूँ और अब तो मैं 8th क्लास में, तो पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है. तो मैं आपको कुछ आर्ट सप्लाई दिखाऊंगी. तो आर्ट सप्लाई दिखाने के बाद मैं आपको अपनी ड्राइंग्स भी दिखाऊंगी. मतलब मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये ड्राइंग मैंने कब बनाई थी, मतलब अभी की है या बहुत पहले की है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना चाहिए. ड्राइंग जिस आप करते हो ना, आपको ज़्यादा कोई बहुत ही बड़ी बुक की भी नीड नहीं है. आप सिंपल ऐसे A4 साइज शीट्स खरीद लो जिसमें आप ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो. और सेकंड टिप ये है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल्स की नीड नहीं है. आप सिंपल कोई भी पेंसिल से ड्राइंग कर सकते हो, चाहे वो अप्सरा की हो, नटराज की हो, डॉम्स की हो, कोई भी प्लेन पेंसिल से आप ड्राइंग कर सकते हो. जबकि मैं अभी तक ओनली प्लेन पेंसिल्स का यूज़ करती हूँ. मेरे पास कोई भी मतलब वो वाली पेंसिल नहीं है कि अलग अलग शेड वाली मैंने लेके रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं बस एक ही पेंसिल का यूज़ करती हूँ. जब मुझे डार्क करना हो तो मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देके पेंसिल को हिलाती हूँ, और जब लाइट करना हो तो मैं एकदम हल्के हाथों से शेडिंग करती हूँ. तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक्सपेंसिव पेंसिल्स हों, हम चीप पेंसिल से भी ड्राइंग कर सकते हैं. तो चलो मैं अब आपको और भी आर्ट सप्लाइज दिखाती हूँ. तो जब मैं बिगिनर थी ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम ना तब 2020 में जब नया नया लॉकडाउन लगा था ना, मैंने तभी पेंटिंग कलर्स लिए थे, जो कि 6 पेंटिंग कलर्स हैं, 6 फैब्रिक कलर्स होते हैं इस पैक में. तो मैं इन्हीं को यूज़ करके पेंटिंग करती थी. वैसे अभी भी मेरी पेंटिंग इम्प्रूव नहीं हुई है इतनी ज़्यादा, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे. तो क्या होता था कि मेरे पास 6 ही होते थे कलर्स, तो जब मुझे कुछ डिफरेंट कलर बनाना होता था ना, तो मैं क्या करती थी, 2 कलर्स को मिक्स करके कुछ नया कलर बना लेती थी. तो जब भी किसी बिगिनर को कोई भी सीन वाली ड्राइंग बनानी हो या फिर वाटरफॉल वाली, सनसेट वाली, कुछ ऐसा बनाना हो ना, तो पेंटिंग से भी कुछ मैं आपको और भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन बताती हूँ. तो हम ना ये ऑयल पेस्टल कलर भी यूज़ कर सकते हैं. जो मैंने पेंटिंग से पहले मैं यही यूज़ करती थी, ये ब्लेंड भी कर सकते हैं. ब्लेंड करने के लिए आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते. 35 रुपीज़ का ही है, एक्सपेंसिव नहीं है कोई, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. ये वैसे मेरा न्यू है, ये मैंने आई थिंक 1 ईयर पहले ही लिया था. देखो अभी भी ये इतना ही बचा है. ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. जो मैंने 4th क्लास में लिया था ना, वो अभी भी मेरे पास है इवन. तो मैं आपको बोल रही हूँ यही यूज़ करो, लॉन्ग लास्टिंग बहुत होते हैं ऑयल पेस्टल कलर्स. तो जब मैं न्यू ड्राइंग सीखती थी ना, स्केचेस, तो तब मैं स्केचेस को, मतलब जो हम शेडिंग करते थे उसको ब्लेंड करने के लिए, तब मैं यूज़ करती थी ईयर वर्ड या फिर मैं कभी कभी टिश्यू पेपर भी यूज़ कर देती थी. तो जब मुझे लगा कि इम्प्रूव हो रही है ड्राइंग, तो मैंने एक नई चीज़ खरीदी. एक्चुअली खरीदी नहीं, मुझे दीदी ने लेके दी थी. ये होते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प. इसका यूज़ होता है शेडिंग को ब्लेंड करने, मतलब हम इसको वापस तो इसका यूज होता है स्केचेस को ब्लेंड करने के लिए. तो ये ना गंदे भी हो जाते हैं, तो इसको साफ करने के लिए एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं सैंड पेपर. सैंड पेपर ये मुझे अपने घर पे ही मिल गया था. पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन खरीद लूंगी, बट तब हमने काम लगाया था ना तो यूज़ करते थे इनका. तो सैंड पेपर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, मान लो ब्लेंडिंग स्टम्प गंदा हो गया, इसको अच्छे से रगड़ो और आपका ब्लेंडिंग स्टम्प हो जाएगा अच्छे से साफ.
अब तो मैं काफी देर से A4 शीट्स में ही जितनी भी ड्राइंग्स करती थी उसी में ही करती थी मैं ड्राइंग्स। तो अभी मैंने ना थोड़े दिन पहले सोचा कि मैं कब से A4 साइज शीट में ड्राइंग कर रही हूँ, तो अब कुछ नया खरीदना चाहिए, कुछ नया लेना चाहिए। तो मैंने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा स्केचबुक ऑर्डर कर लिया। ये A3 साइज का है और इसमें 100 शीट्स हैं। और मैंने ना अभी इसमें टू ड्राइंग्स भी की हैं। मैं आपको पुरानी पुरानी ड्राइंग्स दिखाती हूँ जो मैं सीखती थी ड्राइंग करना। ये देखो, एक ये वाली ड्राइंग है ना, जो छोटी सी है, जो ये मैंने बनाई थी 4th क्लास में। और ये भी अराउंड मैंने आई थिंक 5th में ही बनाई होगी ड्राइंग। और ये भी मैंने 5th में बनाई थी। और इसके पीछे ना मैंने एक और बनाई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी, तो मैं आपको अब दिखाऊंगी अपनी अभी की ड्राइंग। तो चलो ये देखिए गाइस, ये है मेरी अभी वाली ड्राइंग। मतलब ज्यादा पुरानी तो नहीं है ये ड्राइंग। तो चलो मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। मेरे पास गाइस बहुत 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 सारी ड्राइंग्स है। मैं आपको सारी तो नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो जितनी मैंने यहाँ पे अभी मतलब लगा रखी है, मैं आपको उतनी दिखाती हूँ। ये वाली बनाई है अपनी पेट डॉग रियो की ड्राइंग, कितनी अच्छी बनी है। और ये है फ्रेंडशिप की ड्राइंग, और ये मैंने पता नहीं कोई लड़की बनाई है, मुझे इसका नाम नहीं पता। और ये भी लड़की है, ये है घोड़ा, हॉर्स। सो गाइस, ये वीडियो को अब हम खत्म करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।